रायबरेली नारी शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। साथ ही महिलाओं को जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। फाउंडेशन के अध्यक्ष का कहना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, यदि किसी महिला को कोई समस्या है तो पूरा फाउंडेशन उसके साथ है, हर संभव मदद भी करेगा। महिलाओं को अपनी शक्ति पहचाननी होगी। आज समय है पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का, और समाज में नारी सशक्तिकरण को लेकर दिशा और दशा दोनों ही बदलने की जरूरत है। जो घर को संवारती है, नारी एक शक्ति है, नारी एक सम्मान है, नारी एक शक्ति है, नारी एक सम्मान है, नारी के कई रूप हैं, नारी बड़ी महान है। मेरा नाम रेनी सिंह है, मैं नारी शक्ति वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। मैं जैसे बोल दीजिए, मैं मेरे रोजगार महिलाओं को रोजगार दिलाना, जैसे हमारे संस्था में है महिलाओं, 3,000 महिलाओं को हमने भी रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन महिलाओं को अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना और फ्री में प्रशिक्षण देना, सिलाई का, पार्लर का कोर्स करवाते हैं। और हमारे ऐसे जो हमारे संगठन है, हमारे महिला हमारे महिलाओं की महिलाएँ आई हुई हैं, उनका भी हमारा हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरा भी हमसे जितना हो सकेगा मैं इन महिलाओं का सहयोग करूँगा। लखनऊ से बिलोंग करती हूँ और मैं अपनी संस्था नारी शक्ति वेलफेयर के संस्था से जो जुड़ी हूँ, उस संस्था के उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पहुँची हूँ महिलाओं के बीच में, ताकि उनको मैं मोटिवेट कर सकूँ और उनको उनके अंदर जो क्वालिटी है उनको निखारने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो औरतें घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और कुछ अपना रोज़गार घर पे रह के करना चाह रही हैं, उन औरतों को हम कुछ रोज़गार प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि इसमें धूप बत्ती है, रुई बत्ती है, मोमबत्ती है, अगरबत्ती वगैरह है, जो घर पर रह के बनाना चाहती हैं, घर रह के पैकिंग करना चाहती हैं, यानी कि जो बेरोज़गार औरतें हैं उनको हम रोज़गार देना चाह रहे हैं, जो इच्छुक हैं काम करने का। इसमें कोई एज का फाउंडेशन नहीं है, 15 साल से लेकर 55-65-75 तक की महिलाएं भी इसमें काम कर सकती हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।